सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नॉट्स राइडर, और स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में जो कि होने वाला है TVS एंड टॉर्क 2021 एडिशन पर। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ उसके कंपैरिजन में आती हैं काफ़ी सारी स्कूटीज़ जैसे कि हीरो मैस्ट्रो 125 और होंडा एक्टिवा 125, सुजुकी एक्सेस 125। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी हीरो मैस्ट्रो 125 की तो आई बटन में लिंक करा होगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। और अगर होंडा एक्टिवा BS6 125 की भी वीडियो देखनी है तो उसका भी आई बटन में लिंक करा होगा, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्कूटी की लुक देखो यार, ये है एंटॉर्क 125 सुपर स्क्वाड एडिशन। इसके अंदर और भी बहुत सारे मॉडल आते हैं जैसे कि एक खड़ा, तो ये मैं आपको दिखा दूँ, ये कैप्टन अमरीका है और इसके बराबर में एक और ये कलर खड़ा है, ये है आपका शायद आयरन मैन मुझे इतना मालूम नहीं है, और ये एक पैंथर एडिशन। तो गाइस इसके अंदर आते हैं 4-5 मॉडल, जिसकी भी लुक्स आपको पसंद आए आप सिलेक्ट कर सकते हो वो कलर। अच्छा, वो जो कलर है ना, मैंने एक ऐड में और देखा था, शायद यामाहा MT-03 ने भी ये वाला कलर लॉन्च किया है अभी हाल फिलहाल में ही। अब मुझे नहीं पता भाई इस कलर के अंदर क्या अट्रैक्शन है जो लोग इसकी तरफ खींच रहे हैं। देखने में काफ़ी बल्की सी लग रही है स्कूटी, और भैया काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके अंदर जो अदर स्कूटी के साथ इसको स्टैंड होने के लिए पावर देते हैं। एक यहाँ छोटा सा इंडियन फ्लैग आपको दिख रहा होगा, आजकल सभी TVS की बाइकों में ये फ्लैग का जो आइकन है, ये फ्लैग का जो स्टिकर है ये आ रहा है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट, वो भी देखेंगे क्या है इसके अंदर। तो चलो शुरुआत करते हैं इसके कंसोल से, इंजन से शुरुआत बाद में करेंगे, कंसोल में क्या क्या है एक बार ऑफ करके ऑन कर लेते हैं। तो जब आप इग्निशन ऑन करोगे तो यहाँ आएगा एक छोटा सा वेलकम नोट, और स्ट्रीट मोड पर है आपकी स्कूटी इस फिलहाल, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। हेलमेट की वार्निंग भी दिए कि भाई हेलमेट लगा लेना चलाने से पहले, और यहाँ पर ये टेम्परेचर है और फ्यूल इंडिकेटर है, टाइम, उसके बाद ओडोमीटर, ट्रिप, और भाई ये स्पीडो, उसके बाद ये इको और पावर, यानी कि आप जब इसे चलाओगे थ्रॉटल ज़्यादा दोगे तो जैसे ही आप इको से पावर मोड पे जाओगे तो ये ग्रीन से ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको फील हो जाएगा कि भाई आप पावर मोड पे आ चुके हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ MPTA फ्यूल MPTA इंडिकेटर है, ECU का इंडिकेटर है, और ये वाली जो लाइट है आई थिंक या तो ये ब्लूटूथ की लाइट है या किसी और चीज़ की लाइट है, आई डोंट नो ये क्या है। बहरहाल जब यूज़र मैनुअल पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये किस चीज़ की लाइट है, ठीक है। उसके बाद भाई कंसोल के साइड में जाते हैं, अपना ये हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर और हॉर्न, उसके बाद जो स्विचेस की क्वालिटी है भाई काफ़ी अच्छी है अदर स्कूटियों से अगर मैं कंपेयर करूँ। थोड़े टाइम पहले मैंने एक हीरो मैस्ट्रो 125 पे भी वीडियो बनाई थी, तो भाई मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि भाई क्वालिटी दोनों की ऑलमोस्ट एक जैसी ही है और अच्छी क्वालिटी है, उसकी भी बढ़िया क्वालिटी थी, इसकी भी अच्छी क्वालिटी है। दूसरा, इसकी जो थ्रॉटल ग्रिप है थोड़ी सी मोटी दी हुई है, मतलब स्पोर्ट्सी फील होती है, स्पोर्टी फील होती है मतलब के चलाने में स्कूटी। सो गाइस अगर ब्रेक की बात की जाए तो स्कूटी के अंदर कॉम्बी ब्रेक है, ये मैं पुश कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर भी फील सा हो रहा है, और यहाँ पर ये आगे वाला प्रेस कर रहा हूँ तो पीछे वाला भी अपने आप ही देख पा रहे होंगे आप, ये देखो। तो कॉम्बी ब्रेक का फ़ायदा यही है कि भाई आप एक ब्रेक दबाओ या दो ब्रेक दबाओ दोनों ही व्हील अपना रुकेंगे, बट ABS नहीं है स्कूटी के अंदर, अभी तक ABS आया भी नहीं है भाई। सो गाइज अगर फ्रंट लुक्स की बात की जाए तो सामने दिए हुए हैं DRL, मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इग्निशन ऑन किया और भाई ये DRLs ऑन हो गए, और जो इसकी हेडलाइट है वो है आपकी फुल्ली LED, और इंडिकेटर जो है वो है बल्ब में। पीछे की बात की जाए तो जो रियल टेल लाइट है वो भी LED में है, और अपना ये एक TVS के लोगों को शो कर रहा है यहाँ पर, और इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो ये बल्ब में ही है, नॉर्मल बल्ब जो होते हैं। सो गाइस अगर इसके इंजन की बात की जाए तो इसका इंजन है सिंगल सिलेंडर SI 124cc का, और इंजन टाइप जो है वो CVT है, और इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो है 10.2 BHP, मतलब 10 ब्रेक हॉर्स पावर के आसपास इसकी आउटपुट है इंजन की, और इंजन के जो मैक्सिमम RPM है वो है 7000, मतलब कि 7000 RPM, और मैक्सिमम टॉर्क की अगर बात की जाए तो लगभग 11 Nm के आसपास इसका टॉर्क है 5500 RPM पे। TVS वाले ऐसा बोलते हैं कि भाई अब तक की हमारी जो सबसे पावरफुल स्कूटी की कैटेगरी में आती है वो यही स्कूटी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा पावरफुल स्कूटी यही है। अगर किसी दूसरी स्कूटी से भी आप इसको कंपेयर करते हो तो काफ़ी पावरफुल स्कूटी मानी जाती है ये। सो गाइस अब आ जाते हैं अंडर सीट, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अंडर सीट की भाई जो कैपेसिटी है वो है 22 लीटर, 22 लीटर काफ़ी है यार एक मीडियम साइज़ हेलमेट रखने के लिए, और एक यहाँ पर LED लाइट दी हुई है, रात बिरात में कोई सामान निकालना हो या डालना हो तो आराम से रख सकते हो। उसके साथ साथ एक चार्जर भी दिया हुआ है 12 वोल्ट 2 एम्पियर का, मतलब 12 वोल्ट 2 एम्पियर। और एक चीज़ जो मैंने इसमें नोट की है वो है भाई देखो ये OBD कनेक्टर बाहर ही दिया हुआ है इसका, मतलब OBD आप जानते हो ना जिसमें आपका लैपटॉप कनेक्ट होता है, मतलब के सॉफ्टवेयर वगैरह अपग्रेड करने के लिए या कोई भी प्रोग्रामिंग करने के लिए आप डायरेक्ट यहीं से इसको बाहर से कनेक्ट कर सकते हो,
कुछ स्कूटियों के अंदर नीचे होता है या अंदर होता है, लेकिन इसमें बाहर ही दे दिया है, तो ये काफी अच्छी चीज है। और बैटरी के जो वोल्ट है वो है 12 वोल्ट 4 एम्पियर। अब आ जाते हैं इसके फ्यूल टैंक पर, तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो है भाई 5.8 लीटर का। और कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है वो करती है भाई 54 KMPL का, मतलब 54 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है कंपनी। बाकी आप इसे हाईवे पे लेके जाओगे तो हो सकता है ज़्यादा दे, और सिटी में चलाओ तो हो सकता है कम दे। भाई माइलेज का कोई ऐसा नहीं है कि भाई जितना भी कंपनी ने क्लेम कर दिया तो उसका मतलब ये है कि भाई माइलेज आपको उतना मिलेगा ही मिलेगा, माइलेज ज़्यादा भी मिल सकता है, माइलेज कम भी मिल सकता है। सो गाइस फ्रंट व्हील की बात, सो गाइस अगर फ्रंट व्हील की बात की जाए तो फ्रंट व्हील वही है 12 इंच का, और रियर व्हील भी 12 इंच का ही है। मोस्टली स्कूटियों में क्या होता है, फ्रंट व्हील जो होता है वो बड़ा होता है और रियर व्हील जो होता है वो छोटा होता है, मगर इस स्कूटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जितना फ्रंट व्हील साइज है उतना ही रियर व्हील साइज है। सो एक बार स्कूटी पे बैठ के चेक कर लेते हैं कि भाई इसकी सीट जो है वो कितनी कंफर्ट है। भाई सीट भी काफ़ी कंफर्ट लग रही है मुझे स्कूटी की, पैर पूरे जा रहे हैं नीचे। सीट हाइट की मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सीट हाइट कितनी है, इसलिए भाई मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है भाई लगभग 780 mm के आसपास सीट हाइट है इसकी, क्योंकि बैठने से ही पता लग रहा है। सो गाइज अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 155 mm। वाह जी वाह, 155 mm, बहुत बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है यार, इतनी तो बाइकों में भी नहीं आती। और 155 और 160 जो है वो स्टैंडर्ड ग्राउंड क्लियरेंस देनी चाहिए यार सभी कंपनियों को, क्योंकि 155 160 mm ग्राउंड क्लियरेंस एक ऐसी है जो बिल्कुल स्टैंडर्ड मानी जाती है। तो मेरा मानना है कि यार मिनिमम 160 mm देनी चाहिए। एक बात बोलना चाहूँगा, फीचर स्कूटी के अंदर काफ़ी भर भर के दिए हैं, स्ट्रीट मोड भी है, स्पोर्ट्स मोड भी है, वो यूज़ करने के बाद ही पता लगेगा कि उन दोनों में कितना फ़र्क है। सो गाइस अब बात करते हैं इस स्कूटी के प्राइस की, तो इस स्कूटी का जो प्राइस है वो है 85,200 एक्स शोरूम दिल्ली। बाकी भाई आरटीओ और इंश्योरेंस आप इंक्लूड कर लेना अपने हिसाब से, जो भी मतलब स्टेट वाइज लगता है। स्कूटी का जो कर्व वेट है वो है 116 kg, 116 किलो की स्कूटी है टोटल। और भी बहुत सारी फीचर है, जैसे स्कूटी के अंदर ब्लूटूथ कनेक्ट होगा तो भाई इनकमिंग कॉल किसकी आ रही है, मिस कॉल किसकी है, मैसेज किसका आया, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो और नेविगेशन भी कर सकते हो। और भाई लास्ट पार्किंग लोकेशन के स्कूटी लास्ट टाइम कहाँ पार्क की थी उसकी लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हो आप इस स्कूटी के थ्रू। तो कहने का मतलब यार यही है कि बहुत सारे फीचर हैं इस स्कूटी के अंदर जो कि इस स्कूटी को एक भाई फुल्ली लोडेड स्कूटी बनाते हैं। बाकी एंटोर्क पे एक टेस्ट राइड की वीडियो भी आने वाली, वो भी आप देखना जरूर। सो गाइस ये थी एक TVS एंटोर्क 125 2021 एडिशन की ओवरव्यू वीडियो, एक छोटी सी वॉक अराउंड बोल सकते हो आप इसको। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर देना, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, भाई हैंडल डिस्प्ले पे आ ही रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।